हाय फ्रेंड्स, हम सूरज। आज हम आपसे बात करेंगे यूपी बोर्ड रिजल्ट के बारे में। आप यूपी बोर्ड का रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट से कैसे देख सकते हैं, चलिए आज हम आपको बताएंगे कि यूपी बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है और आप अपना 10th और 12th का और रिजल्ट एकदम आसानी से किसी भी सर्वर प्रॉब्लम्स के को झेले बगैर कोई भी समस्या आपके सामने नहीं आएगी और न ही सर्वर ब्रेक होगा, ना ही कोई मतलब फेक वेबसाइट्स को बताएंगे हमारे मतलब यूट्यूब पर और गूगल पर। ऐसे न जाने तार तमाम प्रकार की वेबसाइट्स हैं जो फेक वेबसाइट्स की तरह काम करती हैं। हम उन्हें फेक वेबसाइट्स नहीं कहते, लेकिन उनका कार्य फेक वेबसाइट्स की तरह का, मतलब आप उन पर विजिट करेंगे तो वो आपको गोल 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 घुमाएंगे और आपको रिजल्ट के पास पहुँचाने में बहुत वक्त लगा देंगे। आप यहाँ पर टाइप करिए, वहाँ पर टाइप करिए, वहाँ पर टाइप करिए, यहीं आपको करते करते आपका अत्यंत अधिक टाइम बर्बाद कर देते हैं, जिससे आपको काफ़ी टाइम का लॉस होता है, क्योंकि आप अपने रिजल्ट को देखने के लिए काफ़ी उत्साहित होते हैं। हम आपके अच्छे रिजल्ट की कामना करते हैं, ऊपर वाले की कृपा से आपका रिजल्ट अच्छा हो। चलिए देखते हैं यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है और आपको रिजल्ट कितनी आसानी से वहां पर और बिना सर्वर के प्रॉब्लम्स के देखा जा सकता है। और अगर आप वहां से देखेंगे तो आपकी डाटा एकदम सुरक्षित। अगर आप यूपी बोर्ड का रिजल्ट या किसी बोर्ड का रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट के सिवाय किसी और वेबसाइट पर देखते हैं, वहां पर अपना रोल नंबर, ईयर, सोन, अपना जिला, अपना वर्ष और अपना रोल नंबर डालते हैं, तो वो आपकी सारी रिजल्ट को होने के बाद आपकी सारी जानकारियां वो ले सकते हैं और लेने के बाद आपके साथ खतरा हो सकता है, आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए आप प्रयास करें कि ऐसी वेबसाइट्स के साथ दूर रहें। चलिए मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे यूपी बोर्ड का रिजल्ट देखने के लिए हम सबसे पहले किसी भी एक ब्राउजर को ओपन करेंगे। चलिए हम क्रोम ब्राउजर को ही ओपन कर लेते हैं। आपको भी क्रोम ब्राउजर का यूज करना चाहिए, हम इस ब्राउजर को आपको सजेस्ट करते हैं, क्योंकि ये ब्राउजर एक सेफ है, आपकी डाटा के लिए सुरक्षित है और इसी ब्राउजर का आप यूज करेंगे तो आपके लिए अच्छा, आपको ब्राउजिंग एक्सपीरियंस भी अच्छा मिलेगा। चलिए ज़्यादा वक्त न गवाते हुए टाइप में देखते हैं, क्रोम ब्राउजर को ओपन करते हैं और यहाँ पर आपको सर्च क्या करना है, UPMSP। देखिए हम करते हैं UPMSP। जब आप टाइप करेंगे तो वहाँ पर आ जाएगा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा पद UPMSP, मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म है यूपी बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है UPMSP। और यहाँ पर अगर आप टाइप करते हैं तो यहाँ पर टाइप करने के बाद आपको ये सीधे यूपी बोर्ड के रिजल्ट वाले पेज पर पहुंचा देगी, जहां पर आप हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का परीक्षाफल एक ही बार में देख सकते हैं किसी अन्य समस्याओं को झेलने के बगैर। अन्य जगह हो सकता है आपको तमाम जगह टाइप करने को बोला जाए और बार आपको गोल गोल घुमाया जाए। इस वेबसाइट पर आने के बाद आप सबसे पहले यहाँ पर जनपद का नाम और अपना वर्ष लिख सकते हैं। जनपद का नाम जैसे आपका सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, राय बरेली, तमाम आपके जितने भी जिले हैं, जनपद मतलब जिले होते हैं, उनका नाम लिख सकते हैं और अपना वर्ष लिख सकते हैं, मतलब आपका रिजल्ट 2020 में आ रहा है तो आप 2020 लिख सकते हैं। और रोल नंबर जो 7 अंक का होता है, आपके जो मिला था आपका एडमिट कार्ड, वहाँ पर आपका 7 अंक का रोल नंबर लिखा होगा, उसे आप यहाँ पर लिखने के बाद व्यू रिजल्ट पर टाइप करेंगे, आपका रिजल्ट शो हो जाएगा। अगर आपका रिजल्ट शो नहीं होता तो आप कर सकते हैं ये कि आप इसे इसके एक बार रिफ्रेश करेंगे, अगर आप रिफ्रेश करेंगे तो दोबारा रीलोड होगा और आपको आपका रिजल्ट शो हो जाएगा। अगर नहीं होता तो आप इसके लिए टेंशन ना लें, आपका रिजल्ट आएगा और आपको शो होगा। आप कुछ बार एक दो बार ऐसे रिफ्रेश करें और रिफ्रेश करने के बाद आपका रिजल्ट आपके सामने शो हो जाएगा। वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए आपका रिजल्ट सामने नहीं आ पाता क्योंकि उस समय सारे लोग अपने रिजल्ट को देखने का अत्यंत उत्साही हो जाते हैं। उत्साह के कारण वो सारे लोग एक ही बार में अपना रिजल्ट देखने का प्रयास करते हैं, तो ट्रैफिक बढ़ने के कारण सर्वर डाउन होने लगता है, जिससे रिजल्ट देखने में हम सारे लोगों को समस्याएं आने लगती है। धन्यवाद, आपको हमारा वीडियो को अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि आपके फ्रेंड्स को भी पता चल पाए कि आप यूपी बोर्ड का रिजल्ट कैसे आसानी से देख सकते हैं।